आईपीएल 2020 के आज के मैच के अंदर रोमांच से बड़ा ये मैच देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है ये मैच। काफ़ी ज़्यादा रोमांचक इसलिए है क्योंकि जहाँ सनराइजर्स हैदराबाद ने 165 का टारगेट चेन्नई सुपर किंग्स को दे दिया है, तो वहीं आप सभी को बता दें, अब चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग आने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से उतरे थे बैटिंग करने फाफ डुप्लेसिस, जी हाँ दोस्तों, जो कि 22 रन बना के आउट होते हुए नजर आए। क्योंकि आप सभी को बता दें कि प्रियम गर्ग के द्वारा वह आउट होते हुए नजर आए। दरअसल वह रन लेने के लिए भागे, जैसे ही प्रियम गर्ग ने जैसे ही बॉल फेंकी, बेस्टो को खड़े थे जो कि कीपिंग पे, उन्होंने बॉल को गिल्लो की तरफ फेंकी। तो वहीं आप सभी को बता दें, बॉल से पहले बेल्स गिरने के बजाय बेस्टो ने अपना हाथ गिल्लो पे लगा दिया और वह आउट होते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, DRS लेने के बाद भी, यानी कि थर्ड एम्पायर के पास जाने के बाद भी फाफ डुप्लेसिस आउट होते नजर आए क्योंकि बेस्टो का हाथ बेल्स पे लग गया था और उसे आउट करार कर दिया गया है, जहां पर वे रन आउट नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, और ये सबसे बड़ा झटका लगा है चेन्नई सुपर किंग्स को आज के मैच में, क्योंकि इससे पहले वॉटसन जो कि 1 रन बना के आउट होते नजर आए थे, राइडू जो कि 8 रन बना के आउट होते नजर आए थे, तो वहीं बता दें केदार जाधव और धोनी उतरे हुए हैं फील्ड पर। अब देखना होगा कि ये कुछ कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि सिर्फ 8 ओवर हुए हैं और उसके अंदर 3 विकेट लूज कर चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स, और 41 रन ही वे बना पाई है आज के मैच के अंदर। और इससे साफ पता चलता है कि उनकी रन रेट चल रही है 5 से भी कम, और ऐसी रन रेट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को काफ़ी मुश्किल हो सकती है आज का मैच जीतना। तो आज देखना ये होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद जीत सकती है कि चेन्नई के खिलाफ ये मैच। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी की ऐसी और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को।